उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी सरकार ने एक फैसला लिया है कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, यानी कि जहां लड़कियां पढ़ने जाती हैं, वो 8 बजे तक बंद हो जाएं, क्योंकि 8 बजे के बाद अगर वो आएंगी वो सेफ नहीं है। तो ये सही लगता है आपको? वो गलत है ना। गलत है, गलत है। मतलब उनको वैसे तो शिक्षा के लिए तो वैसा टाइम का बंधन नहीं है ना। ऐसा क्यों है जब योगी सरकार कहती है 8 बजे के बाद इंस्टीट्यूट बंद हो जाने चाहिए ऐसे कोचिंग क्लासेस, और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, क्या आपको विरोधाभास यानी कि आपको डबल स्टैंडर्ड नजर आता है क्या? थोड़ा सा लगता है, बट आई रियली डोंट नो द पर्पस बिहाइंड दिस स्टेटमेंट कि क्या 8 बजे तक ही क्यों है ये सवाल। एक्चुअली उस सरकार से जाके पूछना चाहिए ना कि हमें, बिकॉज वी आर नॉट अवेयर ऑफ कि किस पर्पस से वो बोल रहे हैं। आपको लगता है कि 8 बजे के बाद होना चाहिए, ऐसा बंद नहीं होना चाहिए? हाँ, ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं होना चाहिए। मोदी सरकार के बारे में जानकारी है आपको? क्या जानकारी रखेंगे उसके बारे में, वो कुछ किया है जो उसके बारे में जानकारी रखेंगे? नहीं किया, क्या नहीं गाँव में कुछ हुआ ही नहीं देखा। जैसे जैसे क्या? जो दावा किया गया था ब्लैक मनी इससे आ जाएगी डीमोनेटाइजेशन से, लेकिन जब एक आरटीआई में इससे इसका जवाब मांगा गया कि 90% तो आप वापस ही आ गया वो। नहीं नहीं, शायद वो जो सारे चीज़ें हैं वो टेक्निकली तौर पर देखा जाए तो शायद उतना कलेक्शन हुआ भी होगा, वो एग्जैक्ट आंकड़े हमारे पास मिलते भी नहीं होंगे। अच्छा आंटी, आप एक बात बताइए, योगी सरकार का अगर जिक्र करें तो उन्होंने महिलाओं को लेकर आपको क्या लगता है कि क्या महिला सुरक्षा को लेकर काम किया है सरकार ने, योगी सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार? उन्होंने तो किया ही है ना। मोदी सरकार ने किया है काम? मोदी सरकार ने तो किया। महिला सुरक्षा को लेकर आप पूरी तरीके से हैं कि हाँ महिलाएं सुरक्षित हैं और रात के 8 बजे हों 12 बजे हों निकल सकती हैं घर से बाहर? पहले से तो अब तो अच्छा ही है, हमारे महाराष्ट्र में तो सब जगह अब महिलाओं का अच्छा है। अच्छा, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी सरकार ने एक फैसला लिया है कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, यानी कि जहां लड़कियां पढ़ने जाती हैं, वो 8 बजे तक बंद हो जाएं, क्योंकि 8 बजे के बाद अगर वो आएंगी वो सेफ नहीं है। तो ये सही लगता है आपको? वो गलत है ना। गलत है, गलत है। मतलब उनको वैसे तो शिक्षा के लिए तो वैसा टाइम का बंधन नहीं है ना। वैसे भी अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तो 9 बजे तक आप उससे आगे जाना घर में गलत है। हाय मैम, कैसे आप? मैं ठीक हूँ, आपके सर? बहुत अच्छा हूँ। आप घूमने आए यहाँ पर? हाँ। अच्छा, कहाँ से है? पुणे से ही। अच्छा, आपकी बेटी है आप? अच्छा, ये बताइए आपको क्या लगता है महिला सुरक्षा को लेकर काम किया है केंद्र की सरकार ने, मोदी सरकार ने? किया है, लेकिन और भी करना चाहिए। अच्छा, दैट्स व्हाट आई एक्सपेक्ट, क्योंकि पहले से जैसा था उससे तो अभी बेटर है, लगता है सेफ, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए। जैसे? जैसे कि अभी जो आपने बोला कि टाइम की लिमिट्स नहीं होनी चाहिए, दैट इज़ वन थिंग। और दूसरी बात, जो महिलाएं काम पे जाती है, अभी तो कोरोना के बाद सब काम पे जाने लगे हैं, लोग घर से बाहर पढ़ने लगे हैं, तो महिलाओं को जब अगर उनको लेट पे घर पे आना है तो उनको भी थोड़ा सेफ्टी की साइड से उनको भी कुछ मिलना चाहिए, प्रोटेक्शन दिया जाए। यस, गवर्नमेंट की तरफ से बाकायदा प्रोटेक्शन दिया जाए। हाँ, तो ऐसा क्यों है जब योगी सरकार कहती है 8 बजे के बाद इंस्टीट्यूट बंद हो जाने चाहिए ऐसे कोचिंग क्लासेस, और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी नारा दिया जाता है, क्या आपको विरोधाभास यानी कि आपको डबल स्टैंडर्ड नजर आता है क्या? थोड़ा सा लगता है, बट आई रियली डोंट नो द पर्पस बिहाइंड दिस स्टेटमेंट कि क्या 8 बजे तक ही क्यों है ये सवाल। एक्चुअली उस सरकार से जाके पूछना चाहिए ना कि हमें, बिकॉज वी आर नॉट अवेयर ऑफ कि किस पर्पस से वो बोल रहे हैं। आपको लगता है कि 8 बजे के बाद होना चाहिए, ऐसा बंद नहीं होना चाहिए? हाँ, ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं होना चाहिए कि इस लिमिट के बाद ही, उसके बाद कुछ मत सिखाया जाए या फिर ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। बट कुछ तो रीजंस हो गए उनके, उसकी वजह से उन्होंने बोला होगा, क्योंकि योगी सरकार का देखा है बहुत सारा काम, अच्छी चीज़ें की है उन्होंने, उन्होंने बदलाव लाने की बहुत कोशिश की है। अगर उनकी एक स्टेटमेंट में विरोधाभास दिखता है तो हमें ये उनसे जानना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, आप मोदी सरकार के कामकाज 9 साल के संतुष्ट हैं, मोदी सरकार ने काम किया है? हाँ, कांग्रेस से तो डेफिनेटली बेटर किया। और 2024 में चुनाव होते हैं तो आपको लगता है मोदी फिर से आएंगे या फिर कांग्रेस या फिर इंडिया गठबंधन अपनी धाक जमा पाएगा? हाँ, बिल्कुल लगता है, पूरा विश्वास लगता है, और हम चाहते भी है कि मोदी ही है। मोदी ही है, आपको क्या लगता है भाई? हाँ जी, ज़रूर, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि अगर हम एक सशक्त, सुदृढ़ और अच्छा भारत चाहते हैं तो मोदी जी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आज तक 70 साल में जो निर्णय पहले की सरकार नहीं ले सकी थी वो डेफिनेटली बहुत कम दिनों में एक आश्वासक नेतृत्व उन्होंने हमें दिया है। हम उनके तरफ ऐसे आशावादी देख सकते हैं कि हमारा एक उज्जवल भविष्य हो,
जो मोदी जी कौन कौन से निर्णय आपको लगते हैं जो पिछले 70 वर्षों में नहीं हुए वो अब पिछले 2014 के बाद हो गए? एक तो सबसे बढ़िया निर्णय था वो डीमोनेटाइजेशन का, अच्छा? वो मुझे अच्छा लगा। दूसरा एक निर्णय था वो जो 370 कलम का, वो भी बहुत बढ़िया लगा मुझे। दूसरा एक जो अलग अलग यूपी में भी हमने देखे कि अलग अलग नाम जो थे, रस्तों के नाम रहेंगे या फिर गांवों के नाम रहेंगे, जो कि हमारा इतिहास बताता है हमें कि वो बदलकर हमारे पूर्वजों को, हमारे जो बहुत महापुरुष हुए हैं उनके नाम पर रखा जाए। तो नोटबंदी आप डीमोनेटाइजेशन कर रहे हैं, उसमें क्या फ़ायदा आपको नज़र आया? मुझे तो खुद के हिसाब से देखा जाए तो मेरे पास तो कोई ऐसा ब्लैक मनी वगैरह नहीं होता, नहीं था, इसलिए मैं खुद इसे अच्छा क्यों लगा कि संतुष्ट हुआ, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग ऐसे दे रहे थे कि आप हमारा ये इतना धन रखिए और वाइट करके दीजिए या वाइट करके दीजिए, लेकिन क्योंकि जो जो दावा किया गया था ब्लैक मनी इससे आ जाएगी डीमोनेटाइजेशन से, लेकिन जब एक आरटीआई में इससे इसका जवाब मांगा गया कि 90% तो आप वापस ही आ गया वो। नहीं नहीं, शायद वो जो सारे चीज़ें हैं वो टेक्निकली तौर पर देखा जाए तो शायद उतना कलेक्शन हुआ भी होगा, वो एग्जैक्ट आंकड़े हमारे पास मिलते भी नहीं होंगे, लेकिन जो सरकार की उसके पीछे भूमिका थी वो डेफिनेटली मुझे लगता है कि वो अच्छी तरह से। चलिए ठीक है भाई, आपको क्या लगता है, कुछ बताइए बताइए बताइए, 2024 को लेकर आपको लगता है मोदी सरकार आनी चाहिए? बिल्कुल आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? अच्छे काम करें। क्या काम कर रही हैं? सारे काम अच्छे ही हैं। जैसे बताइए, कुछ कुछ काम बताइए आपके हिसाब से। रोड के मामले में अच्छी सरकार है। अच्छा, और अभी योगी सरकार ने एक फैसला लिया है कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो 8 बजे के बाद बंद हो जाएं। पढ़ाई लिखाई के बारे में नहीं, मैं एक बोल रहा हूँ कि महिला जहाँ लड़कियाँ पढ़ने जाती हैं वो बंद हो जाएं, भाई लड़कियाँ ना आए, ऐसा क्या लगता है? हम तो ड्राइवर आदमी। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। भाई बताइए आपको क्या लगता है, कहाँ से आए हैं, घूमने आए हैं? घूम लिए या अभी अभी घूमना बाकी है? मैं घूम लिया। घूम रहे, कहाँ से आए? बिहार से। बिहार कहाँ से? बिहार कटिहार जिला से। कटिहार, अच्छा, कैसा चल रहा है काम वहाँ पर सरकार का? क्या कुछ क्या करते हो आप, पढ़ते हो, काम करते हो, क्या करते हो? काम करते हैं। काम करते हैं, काम कैसा चल रहा है आपका? सही चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। मोदी सरकार के बारे में जानकारी है आपको? क्या जानकारी रखेंगे उसके बारे में, वो कुछ किया है जो उसके बारे में जानकारी रखेंगे? नहीं किया काम। नहीं किया। क्या नहीं काम? गाँव में कुछ हुआ ही नहीं। देखिए जैसे जैसे क्या, कोई रोड होता है वो मुखिया आता है, फिर बाद माथा पैसा खा लेता है, क्या करेंगे? अच्छा, खा लेता है पैसा, तो क्या ऐसे जाएगा कोई भी काम कराने का? जैसे बताओ बताओ, आप बताओ जरा, मैं जानना चाह रहा हूँ ना, हमारे दर्शक भी सुनेंगे जो भी आप बता रहे हो। क्या सुनेगा, ऐसा ही होता है गाँव में। क्या क्या होता है? ऐसा ही होता है, जैसे कोई सा भी अगर ये आया, कोई गरीब लोगों का कोई भला होना चाहता है, आधा पैसा कोई नेता खाता है, कोई ऐसे कट कर जाता है, और गरीब परिवार को कुछ नहीं मिलता है। गरीब परिवार को मिलता ही नहीं, वो तो कहते हैं हमने घर दे दिए, हमने सिलेंडर, वो तो बोलेगा ही ना अपने को बचाने के लिए, तो वो तो बोलेगा ही ना। अच्छा, बचाने के लिए। हाँ, तो 2024 में आपको लगता है मोदी सरकार आएगी? वो तो मैं कह नहीं सकता।